बात करते हैं अगले कॉलर से। मसलूम जी हमारे साथ है, स्वागत है आपका जी। बताएं सर, सवाल करें। सर, मेरा जो है 8 साल हो जाती है बीपी हाई होने की वजह से। बीपी हाई होने की वजह से क्या हुआ है? टीवी का वॉल्यूम कम करिए सर। आंख लाल हो जाती अच्छा, आंख लाल हो जाती है बार बार। ठीक है, तो इसके लिए हकीम साहब कुछ दवाई बताएं। ठीक है सर। अच्छा, खूब होशियार रहिए बीपी से और उस आँख से। चाहें तो उस आँख का आप चेकअप भी करा लें, क्योंकि बीपी की वजह से आँख लाल होना अच्छा नहीं है। इससे रेटिना पे बड़ा फ़र्क आता है। अपनी आँख का चेकअप करा लें और डॉक्टर को दिखाएं। आँख चश्मा बनाने वाले को नहीं, बल्कि डॉक्टर को एक बार आँख दिखाएं। वो 2-4 टेस्ट करेगा ताकि ये पता चल सके कि ब्लड प्रेशर ने आँख के पर्दे को नुकसान तो नहीं पहुँचाया। और पहुँचाया है तो जल्दी पता चल जाएगा, तो जल्दी उसकी रोकथाम और केयर हो सकती है। एक तो ये, दूसरा ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह को आप अपने जहन में रखें। अगर खून गाढ़ा है तो उसे पतला रखें, और अगर हार्ट ब्लॉकेज वगैरह या खून में थिकनेस बढ़ जाती है, खून में मोटापा बढ़ जाता है, तो वो है तो उसका ख्याल रखें। और सौंफ और गाजर का जूस पिया करें। सौंफ और गाजर का जूस पिया करें। सौंफ को उबाल कर उसका पानी पी सकते हैं, और गाजर का जूस, उसमें आप नमक जैतून 2 चुटकी मिलाकर दिन में 2 बार पी सकते हैं। इससे भी आपका ब्लड प्रेशर और आँख की सुर्खी में फायदा मुमकिन। पंजाब से हैं हरभजन सिंह जी, स्वागत है आपका। हेलो नमस्कार जी। हाँ जी सर। हाँ जी मैडम, मेरा ना मेरे को चिकन गुनिया हो गया था मैडम। उसके बाद दर्द नहीं जा रही, वो तो खत्म हो गया, तो उतर गया था, दवाई ली मैंने। ठीक है, पर वो नहीं खत्म हो रहा, दर्द नहीं खत्म जा रहा। ठीक है सर। अभी इस वक्त कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है जी 55 साल जी। अच्छा देखिए, दर्द के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन रॉ मटेरियल यानी कच्ची दवा गौंसिया है। गौंसिया आप ले लें, असली लें, नकली काफ़ी मिलता है। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी है, या इसके कैप्सूल भी आते हैं। तो गौंसिया को पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद 1 कप दूध से लें। 2 चुटकी, ये चुटकी है मेरी, इसे भर के 2 चुटकी लें नाश्ते के बाद, 2 चुटकी रात को खाने के बाद, और ये लगातार लें, या एक एक कैप्सूल गौंसिया का सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।